इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा को नहीं मिलेगा समर्थन, सपा ने लगाया आरोप। सपा के प्रदीप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन न मिलने की बात कही है। उनका कहना था, 5 साल भाजपा का विधायक रहा लेकिन विकास कार्यों पर नहीं दिया गया ध्यान, इसी के चलते जनता भाजपा से नाराज। जनता को थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे क्योंकि शिवराज सिंह की चालबाजी और भारतीय जनता पार्टी के जो है नकारे वादे, झूठे वादों से सारी जनता जाग चुकी है। उनके रथ यात्रा से जनता पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। जिस तरह से कई जगह पर उनके ऊपर जूते चप्पलें भी पड़ी थी, क्या लगता है कि यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में भी ऐसी स्थितियाँ फिर से निर्मित होंगी? हो सकता है, उनके कार्य कैसे हैं अब हम तो पूर्ण रूप से नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ऐसा नैतिक काम नहीं करेंगे। हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। लेकिन उग्र है, लोग नाराज हैं उनसे, ऐसा हो भी सकता है। जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाने। तो अगर क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ अगर उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, हरिजन के विरोध हम लोग नहीं हैं, हमारी पार्टी भी हरिजन के एक्ट के समर्थन में है। लेकिन जो पहले नियम था कि जांच करने के बाद दोषी व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी हो, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया। मतलब कोई हरिजन जा करके जो FIR करा दे तो पहले गिरफ्तारी बाद में जांच, इसका विरोध हम भी करते हैं क्योंकि हम क्षत्रिय के समाज में पैदा हुए हैं। इसका जो है मुख्य खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा शिवराज जी को, और इनका जो है इनकी जो ये रथ यात्रा या पद यात्रा जो भी करेंगे इसका कोई असर होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी हमारे सिरमौर भारतीय जनता पार्टी हमारे सिरमौर विधानसभा में पूरी तरह से हारेगी, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। क्या किया आप हमारी जनता से पूछिए, गांव में जो है सर्वे कराइए। दिवराज सिंह जैसा विधायक पूरे मध्य प्रदेश में घिरा हुआ विधायक, इतना मतलब कोई भी काम नहीं किया, जातिवाद का नारा लगाया, दलालों का साथ दिया, कोई भी कार्य हमारे क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक कार्य नहीं किया, व्यक्तिगत कार्य उन्होंने किया है। जो उनके चमचे थे, उनके पिछलग्गू थे, उनको बढ़ाने का कार्य किया है, जन समाज को बढ़ाने का कार्य दिवराज सिंह ने नहीं किया है। कोई भी काम किया हम जाके पता लगा लीजिए। देखिए, ये जमीन के नेता ने, बड़े आदमी थे, राजा महाराजा थे, इन्होंने ऐश किया, पूर्व जमाने से लेकर के आज तक अय्याशी में रहे, तो गरीबी क्या जानेंगे, गरीबों का दर्द क्या जानेंगे। एक राजा को अगर विधायक बना दिया जाए तो गरीबी में पला नहीं है, वो तो पूरे ऐशोइलास में जो है नोटों पर सोया हुआ व्यक्ति है, तो गरीबी नहीं जान पाएगा। जो गरीब जमीन से उठेगा, गरीबी को समझेगा, वो गरीबों की सेवा कर सकता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, राजा महाराजा तो वही है वो।